हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रश मणे आए थे 40वें श्लोक पर 39वां श्लोक हमने देखा आत्म ए बाढ़म एतावता न आत्मशेष भवति कस्यचित कभी भी किसके लिए भी आत्मा शेष नहीं बन सकता है क्योंकि आप स्वयं हैं आप समझो आप स्वयं किसी के शेष नहीं है क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है और इसलिए कहते हैं ये आत्मा के बारे में हमारे विचार जो है त्रिधा भवति आत्मायम तीन प्रकार से आत्मा है गौण आत्मा है मुख्य मिथ्या आत्मा है और मुख्य आत्मा है पुत्रा देहे गौण आत्मा प्रदर्शन लोके गौण प्रयोग उदाहरति तो पुत्रादि में जो हम आत्मबुद्धि करते हैं पुत्र नाम नाम वही अब देखो आत्मा तो वो जो पुत्र को आत्मा कह रहे वो गौण है आप समझो गौण दृष्टि से उसको हम कहते हैं कि ये पुत्र आत्मा है देहादि में भी हम आत्मा बुद्धि करके बैठते हैं तो देहादि में जो हमारी आत्मा बुद्धि है वो देहादि की आत्मा बुद्धि जो है वो मिथ्या बुद्धि मिथ्या आत्मा है आप समझो सत्य आत्मा नहीं है और उसी प्रकार से जो स्वतसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है जिसको हम अति जो आपके लिए अति प्रिय है वो मुख्य आत्मा है तो बोले गौण आत्मा माने क्या है गौण आत्मा किसको कहते हैं देवदत्त सिंहो यम इति ऐक्यम गौणमेतयोः भेदस्य भासमानत्वात् अयम देवदत्तः सिंहः ये देवदत्त सिंह है तो भेदस्य भासमानत्वात् अब देखो भेद तो हम देख रहे हैं ये सिंह है ये देवदत्त है देवदत्त मनुष्य है ये सिंह प्राणी है चतुर्पाद है अब
चार पाद है और शिव है, हम वेद देखते हुए भी आप समझो हम कहते हैं देवदत्त सिंह है, तो देवदत्त सिंह है इस प्रकार से जो ऐक्य हम दर्शाते हैं, देवदत्त और सिंह का भेद देखते हुए भी उनका जो ऐक्य हम दर्शाते हैं वो ऐक्य किसके आधार पर है, गौणम एत यो हो, गुण के आधार पर है। जिस प्रकार से सिंह जो है निडर होता है पराक्रमी होता है, उसी प्रकार से ये देवदत्त भी पराक्रमी है। आप देखो तो गुण की दृष्टि से हम कहते हैं कि ये देवदत्त सिंह है, उसी प्रकार से पुत्र वी नाम आत्मा, ये पुत्र आत्मा है जो हम कहते हैं वो गुण की दृष्टि से कहते हैं। आप समझ किसी भी प्रकार से हम यहाँ जो ऐक्य दर्शाते हैं वो ऐक्य किस लिए है, गुण की दृष्टि से, ये मेरा पुत्र है। आप देखो तो मेरा पुत्र जब हम कहते हैं तो मेरा पुत्र किस दृष्टि से है, आप गुण की दृष्टि से, मैं ऐसा हूं मेरा पुत्र मेरा जैसा ही है। अच्छा तो वो गौण आत्मा है, पुत्रादि पुत्र भार्या जो भी कुछ है वो सब जो है वो गौण आत्मा है, आप समझो। और बोले कि मिथ्या आत्मा क्या है, न भाति भेदो न प्रियस्ति साक्षिण प्रतियोगिन, सॉरी वेदोस्ति पंचकोशेषु साक्षिण न तो भाति असौ मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा किसको कहेंगे, पंचकोश है पंचकोशेषु साक्षिण, सर्व मनुष्य जो है, सर्व मनुष्य एक सर्व सामान्य रूप से जो बुद्धि करके बैठे, मैं देह हूं मैं प्राण हूं मैं मन हूं मैं बुद्धि हूं मैं अज्ञानी हूं, स्वामी जी कहते हैं कि यूनिवर्सल मिस्टेक उसको कहते हैं, मिस्टेक माने मोह। तो पांच स्थान पर हमने ये मोह आत्मबुद्धि करके रखी है, ये यूनिवर्सल मिस्टेक है, सब लोग कर रहे हैं। पंचकोश ऐसा मत मानना कि ढक गया है आत्मा, लोग वो चक्र बनाते हैं आत्मा को मध्य में रखते हैं, अब फिर आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश मनोमय कोश, ये क्या है, अब समझो ये ऐसा नहीं है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं तो शरीर पर एक से एक वस्त्र डाल देते हैं, ऐसा है क्या, नहीं। पंचकोश माने कि ये पांच स्थान पर अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानकर हम बैठे, और ये सर्व सामान्य सर्व मनुष्य के लिए सामान्य है। आप समझो पंचकोश और साक्षी के मध्य में भेद है, अब समझो, फिर भी वो भेद हमें नहीं दिखता है। अब समझो ये देह और आत्मा जो आप है दोनों के भेद, दोनों के मध्य में भेद है, आप स्वतः सिद्ध चैतन्य है, ये देह विकारी जड़ है, आप फिर भी वो हम नहीं देखते हैं। आप देखो न तो भाती असो मिथ्यात्मता अतः कोशानाम, फिर भी हमें उसे आत्मा बुद्धि करके बैठे हैं तो वो क्यों है मिथ्यात्मा। आप मिथ्या मानी जो आप नहीं है, जैसे आप नहीं है, जहां आप नहीं, आप देखो ये समझो ठीक से, आप जैसे नहीं है ऐसा आपने मान लिया है, अब देह नहीं है फिर भी आपने देह बुद्धि करके रखी मैं देह हूं, और कोई सीधे सीधे कहेगा नहीं कि मैं देह हूं। आप समझो देह के जितने भी धर्म है जितने गुण है वो अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है, मैं स्त्री हूं मैं मनुष्य हूं मैं पुत्र हूं मैं पिता हूं मैं गोरा हूं मैं काला हूं, अब तो ये सब जो करके रखा है हमने अध्यारोप करके रखा है, और इसीलिए दे आत्मा पर पंचकोश आदि का अध्यारोप करके रखा है, और इसलिए पंचकोश आदि में जो आत्मबुद्धि है वो आत्मबुद्धि क्या है, अब वो आत्मबुद्धि जो है वो आत्मबुद्धि मिथ्या आत्मा है, और इसीलिए ये देहादि में जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं वो मिथ्या है। जिस प्रस्थाणो हो चाणो हो चाण स्थाणो हो चोरात्मा था, जिस प्रकार से
कोई सूखा हुआ वृक्ष है। अर्ध प्रकाश में हम जब देखते हैं उसके ऊपर पतंग भी है, आगे तो थोड़ी आवाज आ रही है तो हम समझ लो तो ये चोर है। फिर जब हमें स्थानों का दर्शन होता है, जब स्तंभ का या सूखा हुआ वृक्ष का तना हमें दिखता है, तब हमें समझ में आता है अरे ये तो वृक्ष है। तो ये चोर बुद्धि जो हमने करके रखी है वो मिथ्या है। आप समझो, मिथ्या उसको कहते हैं जो नहीं है फिर भी वो दिख रहा है। चोर है ही नहीं लेकिन हम चोर बुद्धि करते हैं। रस्सी है वहां पर हम सर्प बुद्धि करके बैठते हैं, है ही नहीं, इसीलिए भगवान के असतः भावः न विद्यते, उसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मान लिया, ये देह को मान लिया। आप देखो ये जगत में आप जिसको भी देखते हैं, आप देखते हैं अगर उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि है ही नहीं। न रूपमस्य है तथा एव उपलब्ध, भगवान यही कहते हैं। ये जो अश्वस्थ वृक्ष जो संसार वृक्ष है, ये संसार वृक्ष का अगर आप निश्चय करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा है ही नहीं। जिस प्रकार से आप संसार के बारे में अभिप्राय बना के बैठते हैं वो है ही नहीं। आप समझो, दिखता है जिस प्रकार से आकाश में नीलिमा हमें दिखती है, पृथ्वी पर से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव होता है, लेकिन सही में सूर्य का उदय अस्त है ही नहीं। आप देखो, और इसीलिए ये मिथ्यात्मा देहादि में जो हम अहम करके बैठे हैं वो मिथ्यात्मा है। तो बोले कि ये जो साक्षी है मुख्य आत्मा क्या है। अब न भाति भेद न अपि अस्ति साक्षिण अप्रतियोगिनः, ये जो साक्षी जो मुख्य आत्मा है अप्रतियोगिनः साक्षिणः भेद न भाति न अस्ति अपि। देखो बहुत सुंदर है, हमने ये विस्तार से देखा है। आप जो साक्षी चैतन्य जो है वो साक्षी चैतन्य किसी का भी विरोधी नहीं, अप्रतियोगिनः, अब किसी का विरोधी नहीं है। उतना ही नहीं, आप किसी का विरोधी भी नहीं है। न भेद अपि अस्ति, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। आप देखो, आत्मा से भिन्न किसी वस्तु का आप सिद्ध करके दर्शाए नहीं कर सकते। न भेद अस्ति, भले आप कहेंगे ये पुष्प है, ये मोबाइल है, ये कुर्सी है, ये फोटो है, तो ये भेद आप कहते हैं, नाम रूप में भेद है, लेकिन वस्तुतः वह भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं न भेद न प्रतियोग, कोई भेद भी नहीं है, कोई विरोधी भी नहीं है। क्यों? सर्वांतरत्वा तस्यैव मुख्य आत्मात्वमिष्यते, मैं एक अद्वितीय ब्रह्म हूं, यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सर्वांतरत्वात्, ये जगत की किसी भी वस्तु आप पकड़िए वह वो आत्मा है ही। आप देखो, सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतानि च आत्मा, और इसीलिए ये सर्वांतर जो साक्षी जो एक देह में उपलब्ध हो रहा है वो साक्षी तो सर्वत्र है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभार्द, ये क्षेत्रज्ञ चैतन्य जो है वो तो सर्व क्षेत्र में है, और इसीलिए ये जो सर्वांतर सर्व का आत्मा, सर्व का अधिष्ठान, सर्व का जो प्रकाशक जो आत्मा है, जो साक्षी चैतन्य है, वो सर्वांतर है, वो ही मुख्य आत्मा है। बाकी जो आत्मा जो है वो सब आत्मा क्या है? व्यवहार की दृष्टि से हम कहते हैं मिथ्यात्मा है, गौण आत्मा है। भवतु आत्मत्रय विद्यम पुत्रादिशेषित्व अभिधान की माया तम। अब देखो ठीक है, आपने जो कहा ना कि ये है, समझ गए हम, चलो सत्य एवं। अब देखो व्यवहारेषु येषु यस्य आत्मता, ये है मुख्य आत्मा है, आप समझ गए, लेकिन व्यवहार में जो हो रहा है वो क्या है? व्यवहारेषु येषु यस्य आत्मता उचिता तस्सु तस्यैव शेषित्वम्। तो बोले कि व्यवहार में हम जो देख रहे हैं ये त्रिविध प्रकार के आत्मा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आत्मा है वो तो एक अद्वितीय है। आप सब
व्यवहार की दृष्टि, व्यवहार व्यवहार इसको आप देखो, व्यवहार की दृष्टि से हम गौण आत्मा कहते हैं, मिथ्यात्मा कहते हैं। लेकिन ये व्यवहार में भी क्या होता है, साक्षी जो है अब तस्य तेषु तस्य एव शेषित्वं सर्वस्य अन्यस्य शेषता, जो मुख्य आत्मा जो है वही शेष है, बाकी सब शेष है। आप व्यवहार में हम जो देख रहे हैं आत्मा है, आत्मा का ही, आत्मा की ही प्रधानता है, अन्य सर्व गौण है। आप आत्मा शेष ही है, उनकी प्रधानता है, बाकी सब उनके शेष है, गौण है। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो, व्यवहार में तो हम ये सब देखते हैं। मुमूर्षो हो गृह रक्षाद गौण आत्मा एव उपज्यते, न मुख्य आत्मा न मिथ्यात्मा, पुत्र शेषी भवती। अतः अन्य देखो, ये शेष और शेषी मानी गौण और प्रधान, मुख्य। आप देखो तो यह प्रधानता किसकी है, मुख्य आत्मा की है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति, जब हम कहते हैं वो आत्मा क्या है, वो आत्मा आप स्वयं है, आप संत, न पुत्र है, न देह है, न जगत है, और आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके आनंद के लिए, आप समझो ये सब है। ये सब किसके लिए, गौण है, आप मुख्य है, और इसलिए कहते हैं मुमूर्षो हो घर गृह रक्षा दो गौण आत्मा एव उपज्यते। मुमूर्षो, जो मरणशैया पर है, जो मरणशैया पर है वो पुरुष के लिए जो गृह आदि जो है वो क्या है, गौण आत्मा है। न मुख्य आत्मा, वो मुख्य आत्मा नहीं है, वो देख रहा है कि मेरे से भिन्न है ये सब, ये सब को छोड़ के मैं जा रहा हूं। अब लेकिन उनको भी हम क्यों कहते हैं, अब देखो पुत्र में भी आत्मबुद्धि क्यों करते हैं, क्योंकि पुत्र मेरे जाने के बाद पुत्र के रूप में मेरी प्रसिद्धि रहेगी, लोग मुझे मुझे मेरा स्मरण करेंगे। आप तो पुत्र के रूप में भी हम जीवंत रहना चाहते हैं, और इसलिए वो जो गौण आत्मा के रूप में हम जीवंत रहना, तो मुख्य तो आप है ना, जो जीवंत रहना चाहते हैं। अब न मुख्य आत्मा न मिथ्यात्मा, पुत्र शेषी भवती, और इसीलिए ये जो पुत्र जो है वो पुत्र जो है न तो गौमुख्य आत्मा जो साक्षी चैतन्य है, पुत्र है जो मिथ्यात्मा भी नहीं है, लेकिन पुत्रादि के रूप में आप जीवंत रहना चाहते हैं। आप तो जो मरण शैया पर जो पड़ा हुआ है, तो ये सब के उनके लिए क्या है, देखो उनकी कोई प्रधानता है ही नहीं, मुख्य तो आप है, आप समझो, भले वो शेष के रूप में है, आप समझो, क्योंकि मनुष्य जो है, पिता जो है, मृत्यु के बाद पुत्र के रूप में जीवंत रहना चाहते हैं, लेकिन जो पुत्र है वो तो गौण ही है ना, मुख्य तो है नहीं। अब और इसलिए आगे कहते अध्येता वह्नि इत्यत्र सन्नपि अग्निहि न गृह्यते। भले पुत्र को हम आत्मा कहेंगे, लेकिन वो आत्मा के रूप में उसका ग्रहण हम नहीं करते हैं, क्यों, अध्येता वह्नि इत्यत्र सन्नपि अग्निहि न गृह्यते। वेद का अध्ययन करने वाला जो है वो ब्रह्मचारी के लिए आचार्य कभी ये प्रयोग करते हैं, अध्येता वह्नि एव, तो वो ब्रह्मचारी जो शिष्य है, शिष्य के लिए जो वो प्रयोग कर रहे हैं, शिष्य के लिए जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये वह्नि है, तो वहां पर हम वह्नि देखेंगे क्या, नहीं। जिस प्रकार से अग्नि जो प्रकाश है, तेजस्वी है, उस प्रकार से ये ब्रह्मचारी जो वेद का अध्ययन करने वाला जो ब्रह्मचारी है वो भी तेजस्वी है, और इसीलिए गुरु उनके लिए कहते हैं कि ये जो अध्ययन करने वाला जो ब्रह्मचारी है वो अग्नि है। अग्नि कहते हुए भी क्या वहां अग्नि का ग्रहण करेंगे आप, नहीं, अयोग्यत्व योग्यत्वाद बटु हुए वत्र गृह्यते। बटु ब्रह्मचारी जो है बटु को ही हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि अग्नित्व जो उनका नहीं, अयोग्यत्व, वो अग्नि नहीं है,
लेकिन उनके गुण की दृष्टि से हम देखते हैं, योग्यता उनकी अग्नि के रूप में जब उनका प्रयोजन किया गया है, उनको कहा गया है, तो वो किस दृष्टि से? गुण की दृष्टि से। जिस प्रकार से अग्नि प्रकाशित है, तेजस्वी है, उसी प्रकार से ब्रह्मचारी तेजस्वी है। हम तो अग्नि हम नहीं देखेंगे, जब हम ये अध्येता वहनी है ऐसा जब आचार्य कहते हैं तो वहां हम अग्नि देखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप समझो। उसी प्रकार से जब पुत्र को हम कहेंगे तो पुत्र में भी हम आत्मा को देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उसी प्रकार से मिथ्यात्मा जिसको हम कहते हैं तो मिथ्यात्मा में भी वही है, आप समझो। कुरुषो हम पुष्टिमास्यम अस्मीति इत्यादो देहात्मा उचिता। जब हम कहते हैं मैं कुरुष हूं, मैं दुबला पतला हूं, अहम पुष्टि अपि अहम पुष्टि आप्यस्यामी, मैं दुबला पतला हूं, मैं हृष्ट पुष्ट बन जाऊंगा। तो ये वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं वो किसकी दृष्टि से है? साक्षी चैतन्य की नहीं, देहात्मा उचिता। अब वो देहात्मा जो उनके व्यवहार की दृष्टि से दर्शाता है। तो ये प्रयोग हम करते हैं व्यवहार में, आप समझो। क्रुशो हम, मैं दुबला पतला हूं, मैं रुष्ट पुष्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से पुत्रम न पुत्रम विनियुक्ते अत्र पुष्टि हेतन अन्न भक्षणे। अब जब मैं क्रूश हूं, आप देखो मैं दुबला पतला हूं और मैं रुष्ट पुष्ट कैसे होगा? अन्न भक्षणे, अन्न भोजन अन्न ग्रहण करूंगा तो मैं रुष्ट पुष्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो अन्न को हम ग्रहण करवाते किसके लिए? देह के लिए। पुत्र को आप देंगे, पुत्र अन्न भक्षण करेंगे तो क्या देह रुष्ट पुष्ट हो जाएगा? नहीं। तो शरीर की जो पुष्टि जो रुष्ट पुष्ट बनाना है तो उसके लिए हम किसको कहेंगे? अन्न ग्रहण करना जो है वो किसके लिए? देह के लिए है। अब समझो, उनके लिए पुत्र अन्न ग्रहण करेंगे और आप रुष्ट पुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं। और इसीलिए ये गौण आत्मा पुत्र है, उसी प्रकार से मिथ्यात्मा देहादि जो है वो मिथ्यात्मा है। आप देखो, उतना ही नहीं और एक भी है। आप देखो, मिथ्यात्मा है, गौणात्मा है, अब तीसरा दर्शाते हैं क्या? तपसा स्वर्गमिष्यामि इत्यादो कर्तृ आत्मता उचिता अनपेक्ष वपुर भोगम चरेत चरेत कृच्छाद्रिकम। कृच्छ अब देखो, तो ये कृच्छ चंद्रादिकम जो ये जो है ना, ये तपश्चर्या करता है। चरित माने कि वो तपश्चर्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने लिए, देह को लिए नहीं। अब देखो, जिस प्रकार से ये शरीर को रुष्ट पुष्ट करना है तो अन्न देह को करना पड़ेगा, पुत्र के लिए नहीं। पुत्र अन्न ग्रहण करेगा तो ये शरीर नहीं। उसी प्रकार से आप समझो, देह भी आत्मा नहीं है, कर्तृआत्मा। अब देखो क्यों? वो कर्ता जो है उनको स्वर्ग का भोग चाहिए। अब देखो, स्वर्गमिष्यामि, अब ये तपश्चर्या के द्वारा मुझे स्वर्ग के भोग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो इच्छा कर रहा है वो क्या करेगा? अनपेक्ष वपुर भोगम, ये शरीर को अन्न की आवश्यकता है लेकिन ये शरीर को वो क्या करेगा? शरीर को भोज भोग नहीं कराता है, वंचित रखता है। ये देह को भी वो तपश्चर्या के द्वारा अन्नादि से वंचित रखता है। कृच्छ चंद्रायण जो व्रत जो है ना, वो व्रत में क्या होता है? अब देखो, ये बहुत सुंदर व्रत है, एक महीने का ये व्रत होता है। पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण भर के पेट भर के भोजन करो, फिर वो जो भोजन किया है उसे आपको 15 विभाग कर देने का, मन से समझना है कि वो उनका 15वां भाग क्या है। फिर पड़वा जो दूसरा दिन आएगा उस दिन क्या करेंगे आप? 15 भाग जो है उसको आप कम कर देंगे। तो
प्रत्येक दिन आप 15वां भाग जो है वो कम करते जाएंगे, अष्टमी तक सब ठीक रहता है। आप सुनो, या तो आप बिल्कुल भोजन ग्रहण न करो, या तो आप पूर्ण रूप से करो ना तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा मिलता है ना तो मन में असंतोष रहता है। तो अष्टमी के बाद क्या रहेगा? 15 निवाल कहते हैं ना वर्ष, तो 15 निवाल आपने लिया है, ठीक मैं बोल रही हूं मैं, फिर 14, 13, 12, 11, 10 तो कम करते जाएंगे। अष्टग्रास जब तक रहते हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर जो कम होता है ना, 7 ही निवाल ले ग्रास करना है, 7 है, 6 है, 5, 4, 3, 2, 1 और अमावस्या के दिन बिल्कुल भोजन नहीं करते। अब तो ऐसा जब हम करते हैं ना तो क्या होगा, तो अमावस्या तक हम जाएंगे तो उसमें हमने क्या किया, ये देह को हमने अन्न नहीं दिया। आप देखो वपुर भोगम अनपेक्ष, उनकी अपेक्षा नहीं करेंगे कि ये देह को हमें भोग देना है। आप देखो तो शरीर के भोग की अपेक्षा नहीं है, शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाने की अपेक्षा नहीं है, कि लेकिन किसके करिए, मैं जो कर्ता भोगता हूं वो कर्ता जो है स्वर्ग में जाके भोग करेगा, तो वो कर्तृ आत्मा है। आपके गौण आत्मा पुत्र है, मिथ्यात्मा देह है, उसी प्रकार से अपने को कर्ता भोक्ता मानते आप, वो जो कर्तृ भोक्तृ है उनके लिए ये देह को भी हम क्या करते हैं, भोजन से वंचित रखते, भोग से वंचित रखते हैं। आपके तो हमारा पूरा जीवन जो है इसी में चलता रहता है, कर्तृ आत्मा होता है, ये जो सब धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दान आदि करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, हम कर्ता आत्मा के लिए करते हैं। भोजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कॉस्मेटिक सब जब तक किसके लिए, देह आत्मा के लिए। उसी प्रकार से गौण आत्मा में भी हम आम बुद्धि करके बैठते हैं। तो बोले मुख्य आत्मा क्या है, आप देखो बहुत सुंदर है, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद हम ये तीन में ही घूमते रहते हैं, उससे ऊपर उठते ही नहीं है हम। तो बोले ये मुख्य आत्मा जो है ना, वो मुख्य आत्मा की ओर हमारी बुद्धि कब जाएगी, तो आगे कहते हैं मोक्षे हमिति अत्र युक्तम चिदात्मत्वम तदापुमान तद्वेत्ति गुरु शास्त्राभ्याम न तु किंचित चिकीर्षति। जब आप कहते हैं, देखो इसका अर्थ क्या हुआ, धर्म अर्थ काम में आप जब तक पड़े रहे हैं आपकी दृष्टि मुख्य आत्मा पर जाती ही नहीं है। देखो बहुत विस्तार से हमने यहां चर्चा की है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर जाती नहीं, लेकिन जब आपको मोक्ष की इच्छा होती है, आप देखो मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही दुर्लभ है, मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाने के बाद मोक्ष की इच्छा होना भी दुर्लभ है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यक्ति तत्त्वतः। अगर कुछ ईश्वर का अनुग्रह हो गया तो ईश्वर के अनुग्रह से हमारे मन में मोक्ष पुरुषार्थ आएगा, और इसलिए कहते हैं जब आप मोक्ष पुरुषार्थ की और दृष्टि करते हैं तब जो वो आत्मा है वो मुख्य आत्मा है, चिदात्मा है। जब तक आप मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं तब तक ये तीन आत्मा में आप घूमते रहते हो। अब और वो आत्मा जो मुख्य आत्मा है, वो मुख्य आत्मा जो है उनको क्या करना है, मोक्ष के लिए क्या करना है, मोक्ष लिए कोई कर्म की अपेक्षा है नहीं। वेत्ति गुरु शास्त्राभ्याम, गुरु का ईश्वर का अनुग्रह होगा तब मोक्ष की इच्छा होती है, विवेक जागृत होता है, और एक बार विवेक जागृत हो गया ये जगत के प्रत्ये, पुत्र आदि के प्रत्ये, देहादि के प्रत्ये, स्वर्ग आदि के प्रत्ये हमारे मन में वैराग्य जब होता है तो क्या होता है, आप देखो गुरु की हमें प्राप्ति होती है
और गुरु जो है शास्त्र अध्ययन के द्वारा हमें ये मोक्ष की ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष की मुख्य आत्मा का ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और एक बार जिसने अपने ये आत्मा का आनंद स्वरूप आत्मानंद को एक बार जिसने जान लिया न तो किंचित चिकीर्षति, फिर उसे कोई कर्म की इच्छा नहीं रहती आप देखो, क्योंकि वो कृत कृत्य हो गया है, उसे किसी भी कर्म की कोई अपेक्षा है ही नहीं आप सब। और इसलिए संक्षिप्त में कहते हैं कि जब मोक्ष की जो इच्छा होती है उस वक्त आपकी दृष्टि मुख्य आत्मा पर है, गौण आत्मा पुत्र आदि पर स्वर्ग आदि पर नहीं है आप सब। और इस प्रकार से तो हमारे व्यवहार में जो है ये तीन प्रकार के आत्मा की प्रधानता है आप देखो, लेकिन जब मोक्ष पुरुषार्थ की हम चर्चा करते हैं तो ये तीनों की कोई प्रधानता रहती नहीं है आप समझो। और इसीलिए आगे श्लोक में हम समझाते हैं, विप्रक्षत्रादयो बृहद्वत बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थितास्तथा गौणं मिथ्या मुख्या यथोचितम्। तो बोले कि ये जो तीन प्रकार के जो होते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे व्यवहार है, ये तीन प्रकार के आत्मा की दृष्टि से उनकी प्रधानता से ही है आप देखो। क्यों? वो बृहस्पति सव का के यज्ञ का यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है वो राजसु यज्ञ करता है, जो वैश्य है वो वैश्य स्तोम यज्ञ करता है। तो उनका जो अधिकार है अधिकार के अनुरूप वो अपना अपना कर्म करते हैं। तद्वत आप देखो उसी प्रकार से पुत्रादि में जो गौण आत्मा है, शरीरादि में जो मिथ्या आत्मा है, और ये जो मिथ्या और मुख्य आत्मा है उनकी योग्यता के अनुरूप उनका शेषत्व माने कि उनकी प्रधानता है। जब आप बहिर्मुख है तब पुत्रादि की प्रधानता है, आप जब अपने आप सोच रहे हैं देहादि का सोच रहे हैं तो मिथ्यात्मा में आप घूम रहे हैं, और जब आप मोक्ष की विचार करेंगे तो आप मुख्यात्मा में रहेंगे। अब तो एक मिथ्यात्मा है और एक मुख्यात्मा है। अब तो हमारा जो व्यवहार है व्यवहार के अनुरूप ये उनकी प्रधानता होती है। जगत में हम जब व्यवहार करते हैं तो पुत्रादि की प्रधानता होती है, देहादि की प्रधानता होती है, यज्ञादि करते हैं तो कर्तृ जो आत्मा है उसकी प्रधानता होती है, लेकिन जब मोक्ष की चिंतन आप करते हैं तो उसमें प्रधानता किसकी रहेगी? मुख्य आत्मा की प्रधानता रहेगी। तो जिस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से उनकी प्रधानता रहेगी आप समझो। जिस प्रकार का ये ब्राह्मण है तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का यज्ञ है आप समझो। राजसु यज्ञ ब्राह्मण नहीं करेगा, और जो क्षत्रिय है जो राजा है वो बृहस्पति सव यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि सबके अपने अपने अपना अपना अधिकारित्व है। उसी प्रकार से ये अधिकारी तो माने ये प्रधानता है, पुत्रादि की प्रधानता है, शरीर आदि की प्रधानता है, कर्तृ आदि की प्रधानता है, और मुख्यात्मा की भी प्रधानता है। अब ये जो चिंतन किया ना उनका अभी ये निचोड़ हमें कह रहे हैं, सार हमें दर्शाते हैं। तत्र तत्र उचिते प्रीति ही आत्मनी एव अतिशायिनी। तो जो पुत्रादि में हमारा हमारी जो प्रीति है वो जिस जिस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे उस प्रकार की प्रीति रहेगी। आप देखो तत्र तत्र उचित है प्रीति, लेकिन आत्मा में जो मुख्य आत्मा में जो हमारा हमारी प्रीति है वो अतिशय है। अनात्मने तो तत्शेष है प्रीति ही अन्यत्र न उभयम। आप देखो आत्मा में ही हमारी अतिशय प्रीति रहती है, अन्य सर्व जो जड़ वस्तु जो है उसमें हमारी साधारण प्रीति रहती है। वो जड़ वस्तु है, निरतिशय प्रेम जो हमारा है वो दोनों न उभय। आप देखो गौण आत्मा में या मिथ्यात्मा में हमारी अतिशय प्रीति नहीं है, जब वो प्रतिकूल हो जाता है तो उनका भी हम त्याग कर देते हैं आप समझो, और वो आत्मा से भिन्न है, और इसीलिए हमारा अतिशय प्रेम जो है वो तो आत्मा में ही है आप समझो। तो
बोले ये विभाग क्यों करते हो? तो आगे कहते उपेक्षम द्वेषम इत्यन्य द्वेधा मार्ग तृणादिकम उपेक्षम। अब तो कहते हैं कि ये दो है ना, उसी प्रकार से और दो भी है उपेक्ष द्वेषम इति। आप देखो जगत में हम प्रीति भी करते हैं द्वेष भी करते हैं, उसके साथ साथ हम उपेक्षा भी करते हैं। तो ये भी है उपेक्षा कर दो, उपेक्षा करने योग्य द्वेष माने द्वेष करने योग्य जो है तो वो भी हमारे जीवन में है। तो वो दोनों जो है वो कैसे है? तृणा मार्ग तृणादिकम उपेक्षम। ये जगत में 99% वस्तु जो उपेक्षा है, आप समझो आप अपने इस जगत को बना के रखते हैं और मानते हैं कि यही जगत है। नहीं, आप जिसको अपना जगत मानते हैं वो 1% भी नहीं है। आप समझो जो आप पुत्रादि में आत्मबुद्धि करते हैं, देहादि में आत्मबुद्धि करते हैं और ये जो सबके साथ अहम अहंता ममता करते रहते हो ना, वो तो बहुत अल्प है। बृहस्पति ग्रह क्या है, सूर्य क्या है, मंदाकिनी निहारिका क्या, ये सब उपेक्षा हमको क्या है? स्वामी जी कहते कि उपेक्षा तो बाह्य दृष्टि नहीं, यहां भी हम उपेक्षा करें। 99% लोगों को हृदय क्या है, मूत्रपिंड किडनी क्या है, लीवर क्या है, पेनक्रियास क्या है, कुछ नहीं। उनके भी हम उपेक्षा कर, उनकी कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करके बैठे हम। बाहर तो छोड़ दो, हमारे शरीर में भी यही है। भले हम शरीर को आत्मा कहते हैं लेकिन शरीर के अंदर के अंगों की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर भी हमारी उपेक्षा ही है ना? जो भोजन करेंगे लेकिन भोजन करने के बाद अंदर क्या हो रहा है, कैसे पाचन होता है, उदर क्या है, आंत क्या है, हमें उसके कोई संबंध नहीं है। मुझे भोजन मिला ना, हो गया काम। तो ये सब उपेक्षा है, उपेक्षा योग्य है। उसी प्रकार से व्याघ्र सर्पादि द्वेषमेव, जो हमें नुकसान करते हैं उसके प्रति हमारे मन में द्वेष रहेगा, जो प्रतिकूल है, व्याघ्र है, सर्प है, शत्रु है, जो हमारी निंदा कर निंदक है, उस सबके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव रहेगा। और इस प्रकार से ये जगत में जो हम देखते हैं ना, ये 4 प्रकार से होगा, आप समझो। लेकिन ये सब में मुख्य तो प्रधान तो कौन है? मैं हूं। आते हो उपेक्षा करने वाला भी मैं हूं। आते हो लेकिन ये जो हम कहते हैं ना उपेक्षम द्वेषम इति द्वेधा मार्ग तृणादिकम अब, तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो आगे कहते हैं आत्मा शेष उपेक्षम च द्वेषम च इति चतुर्षु अपि न व्यक्ति नियम किंतु। अब देखो आत्मा और शेष, शेष मानी आत्मा पर उपकार करने वाले पुत्र आदि जो है, उपेक्ष उपेक्षा के योग्य है, शेष द्वेष मानी कि द्वेष करने योग्य है। इस प्रकार से ये 4 ही है। आप देखो पुत्रादि और देहादि जो है वो हमारे उपकारक है और उसके लिए हमें प्रेम रहेगा। उपेक्षा है जिसके हमारे जीवन में कोई संबंध ही नहीं है, जो हमारे नुकसान करने वाले उसके प्रति हमारे मन में द्वेष है। इति चतुर्षु अपि न व्यक्ति नियम। लेकिन ये जो हम 4 कहते हैं उसमें कोई उपकार करने वाले को हम प्रिय कहते हैं, अपकार करने वाले को हम द्वेष कहते हैं। अब लेकिन उनमें कोई नियम है? नहीं है नियम, आप सब क्योंकि जो उपकार करने वाले पुत्रादि है वो भी हमारे द्वेष बन सकते हैं, वो उपेक्षा भी बन सकते हैं। अब तो उनमें कोई नियम नहीं है, आप समझो। बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया है ये। किसी भी वस्तु पर, स्वामी इसको लेबलिंग कहते थे, किसी भी वस्तु पर आपको एक सिक्का नहीं लगा दो, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा उपकारक है,
हमारा मन भी बदलता रहता, और जैसा हमारा मन बदलता है ऐसे हमारे भाव बदल जाएंगे उनके प्रति। हमारे राग द्वेष जो है निश्चित नहीं है। देखो इसलिए शास्त्र कहते हैं अपने मन पर विश्वास मत करो, क्योंकि आपका मन तो बदलता रहता है, आपके राग द्वेष बदलते रहते हैं, वही के वही आपके राग द्वेष नहीं रहते हैं, आपके राग द्वेष बदलते रहते हैं, आपके भाव उपेक्षा द्वेष बदलते रहते हैं, आप समझो। इसीलिए उसमें कोई व्यक्ति नियम मान की एक विशेष प्रकार से आप नियम नहीं बना सकते हैं कि यही उपकारक है यही अपकारक है, आप समझो। तो भाई कैसे कहते हो आप ये, तो आगे दृष्टांत देते हैं। स्याद व्याघ्र सम्मुख द्वेष है, अगर व्याघ्र जो है आपके सामने आ गए तो वो आपके लिए द्वेष है। उपेक्षस्तु परान्मुख है, अगर व्याघ्र का मुख दूसरी ओर है तो वो आपके लिए उपेक्षा का कारण। लाननाद अनुकूलश्चेद विना विनोदायति शेषतां। तो इस प्रकार से उपेक्षा भी हो सकती है, व्याघ्र के प्रति भी हमारे मन में उपेक्षा हो सकती है, व्याघ्र के प्रति भी हमारे मन में आप देखो अपकार द्वेष भी हो सकता है। आप समझो वही जो व्याघ्र है लालनाद अनुकूलश्चेद विनोदाय इति, अगर वो व्याघ्र अगर हमारा अनुकूल हो गया तो उसके साथ हम खेलेंगे, व्याघ्र के साथ तो वो उपकारक हो गया, मित्र हो गया हमारा। तो एक ही वस्तु के प्रति हमारे मन में जिस जिस प्रकार की परिस्थिति है वो परिस्थिति के अनुरूप हमारे मन में भाव बदलते हैं। तो एक ही पदार्थ के प्रति आप देखो उपेक्षा भी हो सकती है, द्वेष भी हो सकता है, उपकारक भी हो सकता है, शेष भी हो सकता है। और इसलिए आगे कहते हैं व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, व्यक्ति नाम नियमो मा भूत क्षणात् सॉरी क्षणात् तु व्यवस्थिति ही आनुकूल्यम प्रातिकूल्यम द्वयाभावश्च लक्षणाम। और इसीलिए व्यक्ति की दृष्टि से ये वस्तु की दृष्टि से कोई नियम है ही नहीं। क्यों, लक्षण से उसकी व्यवस्था होती है। अभी अनुकूल है प्रतिकूल है, आप देखो अनुकूल है तो उपकारक हो जाएगा, प्रिय होगा आपको, प्रीति रहेगी आपको। अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो उनके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव हो जाएगा, और अनुकूल प्रतिकूल दोनों नहीं है तो उपेक्षा हो जाएगा। आप देखो आप समझे अनुकूल आनुकूल्यम प्रतिकूलम द्वय भाव, द्वय माने अनुकूल प्रतिकूल दोनों नहीं है, दोनों का अभाव है तो उपेक्षा हो जाएगी। लेकिन अब ठीक से समझोगे, पुत्र कहते हो, देह कहते हो, जगत कहते हो, उनके प्रति हमारे मन में भाव बदलते रहते हैं। उपकारक माने प्रीति होती है, अपकारक माने द्वेष होता है, या तो दोनों नहीं है तो फिर उपेक्षा रहेगी, अनुकूल प्रतिकूलता नहीं तो उपेक्षा रहे। लेकिन आत्मा के प्रति ऐसा होता है क्या, आत्मा प्रियान प्रेयान प्रिय शेष द्वेष उपेक्षा तदन्ययो हो इति व्यवस्थित है लोक। अब देखो तो आत्मा जो है अत्यंत प्रिय है, आत्मा में कभी उपेक्षा भाव नहीं रहेगी, आत्मा तो आपका अत्यंत प्रिय है ही। आप देखो प्रिय शेष है, जो पुत्रादि जो शेष है वो प्रिय है। द्वेष उपेक्षा तद्य अन्य यो हो, तो ये व्यवस्था है, ये चार हमने देखा ना, ये व्यवस्था है। अब देखो उपेक्षा भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, याज्ञवल्क्य मतम चतत, लेकिन ये सब में अत्यंत प्रिय जो है वो तो कौन है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप देखो और इस प्रकार से ये वाक्य के द्वारा याज्ञवल्क मुनि हमारी दृष्टि हमारे मुख्य आत्मा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये याज्ञवल्क मुनि का मंत्र। आप देखो क्यों, तो बोले याज्ञवल्क मुनि ने ये कहा है, तो बोले एक यहां पर ही कहा है ऐसा नहीं है, मैत्रेय ब्राह्मण में जो है पुरुषविद नाम का जो ब्राह्मण उसी में भी अन्यत्रापि श्रुति प्राह, अन्य प्रकार की श्रुति भी यही कहती है कि आपके जीवन में जो मुख्य है वो तो आत्मा ही है। पुत्र
पुत्राद्वित्ता तथा अन्यतः सर्वस्वाद अंतरम तत्वम तदेतत् प्रियः इष्यथा प्रेयः। पुत्रादि वित्त अन्यतः, पुत्र और वित्त से भी अन्य जो सर्वांतरात्मा है ना, सर्वस्मद आंतरम तत्वम, जो सर्व का आंतर तत्व आत्म तत्व जो है वही अत्यंत प्रिय है, आप समझो। और इस प्रकार से कहते हैं श्रोत्या विचार दृष्टा अयम साक्षी एव आत्मा न च इतर। इस प्रकार से श्रुति के द्वारा विचार दृष्टि के द्वारा हमने ये सिद्ध कर दिया, साक्षी एव आत्मा न च इतर, साक्षी ही आत्मा है, माने साक्षी ही आप स्वयं है, अन्य सर्व जिसको हम अहम करके बैठे हैं, देहादि में अहम बुद्धि करके बैठे, वो आत्मा नहीं है, आप समझो। पंचकोशान पंचविविच्यान वस्तु दृष्टि विचारणा। अब वस्तु दृष्टि की विचार जब हम करते हैं तो पंचकोश आदि से भी हम विविच्य, उससे हम अलग करते हैं, अन्योन्तरात्मा प्राण में एक एक करके हम क्या करते हैं, ये दृष्टि विचारणा जो है उनके द्वारा हम ये करते हैं, आप समझो। दृष्टि विचार से मान की ये देखो वेदांत है, विजन है, वेदांत एक दृष्टि है, एक बार आपकी दृष्टि बदल जाएगी ये जगत भी बदल जाएगा। आप अपने मन में नकारात्मक भाव लेके चलेंगे तो ये जगत आपको नकारात्मक ही लगेगा, आप अपने मन में दोष देखते रहेंगे तो बाहर दोष ही दिखेगा आपको, आप समझो। तो ये दृष्टि हमें बदलनी है, और विचार दृष्टि बदलने के लिए क्या करना, विविच्य, विवेक करना पड़ेगा हमें। और इसलिए तैतरी उपनिषद में हमें पंचकोश का विवेक करवाते हैं, अन्योन्तरात्मा प्राणमय, अन्योन्तरात्मा अन्नमय आत्मा है, नहीं नहीं प्राण है, प्राण नहीं मन है, मन नहीं बुद्धि है, बुद्धि नहीं आनंदमय है, आनंदमय नहीं उनका जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो आप है, आप है। उसी प्रकार से अन्य श्रुति में भी क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो अनुभव हमारे तीन प्रकार के हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, वो तीनों के विवेक के द्वारा भी हमें मुख्य आत्मा का ही उपदेश करते हैं। जागर सुषुप्त स्वप्न सुप्ति नाम आगम अपाय भाषणम यतः भवति असो आत्मा। अब जागर स्वप्न सुप्ति नाम, ये जागर स्वप्न सुषुप्ति जो है वो उनका क्या होता है, आगम अपाय भाषणम, उनका आना और जाने को जो प्रकाशित करने वाला जो है वो आत्मा है, आप है, आप देखो। भवति असो आत्मा स्वप्रकाश चिदात्मक है, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, लेकिन उनका प्रकाशक आप है। स्वप्न अवस्था में भी जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं है, लेकिन उनका भाषण है, आप देखो उनको प्रकाशित करने वाले आप स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप देखो। इस प्रकार से जब हम विविच्य एक प्रकार शेषा प्राण आदि वित्तांत आसन्न, लेकिन ये जो हम करते हैं ना विवेक करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, आप देखो प्राण आदि से आरंभ करके वित्तांत तक, वित्त तक हम जितना भी ये करते हैं तो उनका जो है मुख्यात्मा से ये सब प्राण आदि भिन्न है। अब धन पर्यंत सब जो है वो सब आत्मा के उपकारी है, वो आत्मा के समीप और अधिकता। अब देखो प्राण आत्मा के समीप है, वित्त आत्मा से समीप नहीं है। अब देखो प्राण से तो वो वित्त से प्राण जो है अधिक समीप है आत्मा, तो एक एक कर को हमको क्या करना है, सामीप्य की दृष्टि से हम आप कहते हैं, सामीप्य की दृष्टि से प्रीति में अधिकता न्यूनता होती है, लेकिन सब है तो मिथ्यात्मा ही, आप समझो। तो बोले आप क्यों कहते हो अधिकता न्यूनता, आप क्यों कह रहे हो, वित्तात पुत्र है, प्रिय है, पुत्रात पिंड है, वित्त से प्रिय पुत्र है, पुत्र के लिए हम बहुत धन खर्च करते हैं, हम आजकल जब बच्चे को पढ़ाने होता है अपने पुत्र को अध्ययन कराने के लिए हम कितने लाख रुपए का दान भी कर देते हैं, तो पुत्र की प्रीति के लिए हम वित्त का त्याग कर देते हैं, लेकिन पिंड देह की जब बात आती है तो पुत्र का भी हम त्याग कर देंगे,
पिंडा तथा इंद्रियम, ये पिंड से भी अति प्रिय हमें आंख है, आप समझो। चक्षु को हमें रक्षा करनी है, तो अगर शरीर में कोई घाव हो जाएगा तो भले हमें शरीर में कोई घाव हो जाए लेकिन मेरी आंख ठीक रहनी चाहिए, और इसलिए हम ये शरीर में घाव सहन कर लेंगे। आप इंद्रिया च प्रिय प्राण, अगर हमारे प्राण की रक्षा करनी है और इंद्रिय जा रही है, चक्षु हमारी जा रही, तो भले जाए लेकिन मैं तो जीवंत रहूंगा ना, तो आपको भी जाने देंगे। प्राणादात्मा पर प्रिय है, लेकिन प्राण से भी जो प्रिय है वो तो आत्मा है, आप स्वयं है, आप समझो, क्योंकि यह आप जो है अत्यंत प्रिय है, आप समझो। एवं स्थिते विवाद अत्र प्रति बद्ध विमूढयो हो अन्य, इस प्रकार से ये सिद्ध तो हो गया कि आप जो स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप साक्षी है वही आपके लिए अत्यंत प्रिय है, ये जगत आपके लिए प्रिय नहीं है। इसे होने पर भी एवं स्थिते विवाद, एक विवाद यहाँ हो सकता है, आप देखो प्रतिबद्ध विमूढयो हो, प्रतिबुद्ध माने की जो ज्ञानी है और विमूढ़ माने की जो अज्ञानी है। श्रुत्या उदाहरी तत्रात्मा प्रेयानीति एवं निर्णय है, तो ज्ञानी और अज्ञानी की जो दो दृष्टि है ना उनका उदाहरण देके श्रुति माता हमें सिद्ध करना चाहती है कि अत्यंत प्रिय जो है वो तो आत्मा ही है। आप साक्षेव दृश्याद अन्यस्मात् प्रेयानित्याह तत्त्ववित् प्रेयान पुत्रादिहि एवम् इवम् भोक्तुम् साक्षीति मूढदिहि, जो साक्षी आत्मा को जानने वाला तत्त्वविद जो है वो क्या कहता है, पुत्रादि से भिन्न जो साक्षी चैतन्य है वही मुझे अत्यंत प्रिय है। आप देखो तो पुत्रादि से भी अधिक प्रिय तो मैं साक्षी चैतन्य हूं, लेकिन जो मूड बुद्धि वाला है वो क्या करेगा, वो आत्मा को शेष बना देगा। आप देखो पुत्रादि के लिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं, मेरी सात पीढ़ी तक किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इतना धन मैं एकत्रित करके जाऊंगा। तो जो मूढ़ बुद्धि वाला है वो अपने साक्षी चैतन्य की उपेक्षा करके वो पुत्रादि में ही पड़ा है। अब देखो तो ये दो प्रकार की दृष्टि है, एक कहता है मैं तो ये सब जगत के लिए कर रहा हूं, नर सेवा नारायण, अब समझो ये सब, ये मूढ़ बुद्धि वाले हैं जो साक्षी चैतन्य मुख्य आत्मा की उपेक्षा करके ये गौण आत्मा जो है मिथ्या आत्मा उनके लिए उनको समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जो तत्वविद वो समझता है कि मैं जो साक्षी चैतन्य आत्मा हूं वही अत्यंत प्रिय है। आप समझो आत्मनः अन्यं प्रियं ब्रूते शिष्यश्च प्रतिपादयति तस्य उत्तरं वचः बोधशापो कुर्यात् तयोः क्रमात्। जो जिज्ञासु है और जो प्रतिवादी है, आप समझो आत्मन अन्यम प्रियम ब्रूते, जिज्ञासु शिष्य जो है और दुराग्री प्रतिवादी जो है, दोनों आत्मा से भिन्न पुत्रादि में प्रेम करते हैं और दोनों उनके सामने गुरु के सामने दलील भी कर सकते हैं, आप देखो तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिवादी है उनको अन्य प्रकार से वो कहेंगे और जो शिष्य है उनको अन्य प्रकार से समझाएंगे। तो गुरु जब ये कहेंगे तो गुरु का उत्तर जो है वो शिष्य के लिए आशीर्वाद बनता है, और वही जो तत्वविद जो उपदेश करते हैं वो प्रतिवादी के लिए शाप बन जाता है। कैसे बनता है आगे के श्लोक में कहेंगे, प्रियम तो अमरोत्स्यति इति एवं उत्तरम भक्ति तत्वविद। प्रियम तो अमरोत्स्यति, तो ये वाक्य है कि अगर तू पुत्र में आत्मबुद्धि करके बैठा है तो जो पुत्र में आत्मबुद्धि करके तू बैठा है जिसको तू प्रिय मान रहा है, त्वाम प्रियम, वही प्रिय तुझे एक दिन रुलाएगा। इति वक्ति तत्वविद, तत्वविद जो गुरु जो है तत्वज्ञानी ये वाक्य बोलता है, वही वाक्य जो है शिष्य के लिए आशीर्वाद बन जाता है। स्व उक्तस्य प्रियस्य दुष्टत्वं शिष्य वेति विवेकतः, जो शिष्य जो है वो विवेकी है और विवेक के कारण वो क्या कहेगा, जिसको स्व जिसको अपना प्रिय मान के रखा था उसमें वो दोष बुद्धि करेगा, दुष्टत्व देखेगा,
और दोष बुद्धि करके उसमें से जो उनका प्रियत्व है वो उन प्रियत्व का त्याग कर देगा। लेकिन जो प्रतिवादी है तो बोले कि ये दोष करेगा ना, दुष्टत्वम देखेगा, तो दुष्टत्वम कैसे देखता है? तो बोले कि पुत्र नहीं होता है तभी वो हमारे दुख का कारण होता है, पुत्र जब गर्भ में होता है तब भी वो हमारे दुख का कारण होता है, प्रसव काल में भी वो दुख ही देता है, और उनका जन्म होने के बाद उसके संभालना, उनका कुछ रोग हो जाता है तो भी वो दुख का कारण होता है। अगर कुमार है लेकिन अगर उसमें मूर्खता है तो भी वो हमारे दुख का कारण बनता है। उपनीते अपि अविद्यत्वम्, उनका उपनयन दीक्षा करते हैं फिर भी वो विद्या ग्रहण नहीं करेगा तो भी वो हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। अगर वो अध्ययन करके पंडित भी बन जाता है, हम देखो पंडित बनने से भी वो अपने युवा अवस्था में जो होता है तो भी वो हमारे दुख का कारण बने कि उनका विवाह नहीं हो रहा है। अब विवाह हो जाएगा बाद में भी वो दुख का कारण बनेगा। परदारादि दारिद्र्यम च कुटुंबिनः, तो उनका परिवार नहीं, बच्चे नहीं, आप देखो तो वे दुखी होंगे। आप समझो पुत्र जिसको आप कह रहे हैं वो हरेक स्थान पर वो दुख का ही कारण है। उनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा है, अब विवाह हो गया फिर क्या, अब पुत्र उनका कुछ नहीं है। अच्छा उनका परिवार भी हो गया, दरिद्रता आ गई, नुकसान हो गया, तो अपने परिवार का वो लालन पालन नहीं कर रहा है। पुत्र हो दुखस्य नास्ति अंतः धनी चैन म्रियते तदा, तो पुत्र जो है वो दुख का ही कारण है। समझो अगर वो धनवान भी हो गया लेकिन वो मर गया तो क्या है, तो वो भी दुख का कारण। अब धनवान भी कितना है लेकिन युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई तो वे वो दुख का कारण ही बन गया। अब एवं विविच पुत्रादो प्रीतिम त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य, आप देखो इस प्रकार से जो शिष्य है वो स्वयं विवेक करेगा और विवेक करके पुत्रादि में जो उनकी प्रीति है उन सबको त्याग करके वो मुख्य आत्मा निजात्मा में वो अपनी परम प्रीति का निश्चय करेगा। और विवीक्षते तम अहर्निशम, अहर्निश वो उसी का चिंतन, मुख्य आत्मा का चिंतन करने का वो प्रयत्न करेगा। लेकिन जो प्रतिवादी है आग्रह ब्रह्म ब्रह्मविद द्वेषादपि पक्षम अमुंचतः वादिनः, तो ये वाक्य जो है प्रियं त्वां रोष्यसि, तो ये वाक्य जो है वो प्रतिवादी स्वीकार नहीं करेगा, वो सामने तर्क वितर्क करेगा। तो इस प्रकार से जो तर्क वितर्क करेगा तो वही वाक्य उनके लिए आशीर्वाद नहीं बनता है, वो उनके लिए शाप बन जाता है। क्यों शाप बन जाता है? क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो समझने को तैयार ही नहीं है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो दलील करते रहते हैं। जो मुख्य सिद्धांत है, मुख्य जो वाद है, मुख्य बात जो है वो नहीं पकड़ते हैं, दूसरा कुछ ही करते रहते हैं। तो ऐसे जो अगर करेंगे तो ये गुरु का वाक्य जो है, तत्वज्ञानी का वाक्य उनके लिए शाप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दलील करता रहेगा तो उसको नरक की प्राप्ति हो जाएगी। प्रोक्त दोषश्च बहुयोनिषु, इतना ही नहीं वो पुनरअपि जन्म, ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। अब तो ये अस्वीकार करके ब्रह्मज्ञानी या महात्मा का वाक्य का न स्वीकार करके वो वाक्य ही उनके लिए क्या बन जाएगा, शाप बन जाएगा। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्व ईश्वरस्तेन वर्णितम यद्यत् तथैव स्यात् शिष्य प्रतिवादिनः। अब देखो जो ब्रह्मविद है वो स्वयं ईश्वर है, आप समझो, और इसीलिए जिस प्रकार से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। आप शिष्य बन के जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप प्रतिवादी बन के जाएंगे तो आपको शाप की प्राप्ति होगी। यस्तु साक्षिणम आत्मनम सेवते प्रियमुत्तमम्, क्योंकि वो साक्षिण जो आत्मा है सेवते प्रियमुत्तमम्, तो साक्षिरूप आत्मा जो साक्षिरूप आत्मा की उपासना करता है उनको तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। यस्य प्रेयान सो आत्मा न नश्यति कदाचन, वो
वो आत्मा ही उनका प्रिय है, और आत्मा ही जब उनका प्रिय है तो आत्मा का कभी नाश होगा ही नहीं उनके लिए। आते लेकिन जो मानता नहीं है अन्य में पर प्रियत्व रखेगा तो वो दुखी होगा, उनका भी नाश हो जाएगा। आप देखो, और इसीलिए ये सबके द्वारा आप देखो, ये जब ये 71 श्लोक तक जो चर्चा की है उनका जो सार जो है वो क्या है, परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपता सुख वृद्धि प्रीति वृद्ध सार्वभौमादि शिश्रुता। आप देखो तो उनका निचोड़ तो यही है कि सर्वसम जो अत्यंत प्रिय परम प्रेमास्पद जो वो आत्मा ही है, और क्यों है, परमानंदता उनमें ही अनंत आनंद स्वरूप आत्मा होने के कारण ही वो आत्मा अत्यंत प्रिय है। आप समझो क्यों, प्रीति वृद्ध सुख वृद्धि ही, जितनी प्रीति की वृद्धि होती जाएगी उतनी सुख की भी वृद्धि होती जाएगी। आप देखो सार्वभौमादि शुश्रुता, जिस प्रकार से चक्रवर्ती जो राजा होता है ना, उनको जितनी भी उनकी प्रीति अधिक होती जाएगी उनका सुख की भी वृद्धि होती जाएगी। उसी प्रकार से जैसा जितना आप अब आत्मा में, तो आत्मा तो अत्यंत प्रीति है, माने कि वो क्या है, अनंत आनंद स्वरूप है। और इसीलिए बोले कि हाँ ठीक है, चलो आपने जो ये निर्णय कर लिया 72 श्लोक तक में क्या, आत्मा परमानंद माने कि अनंत आनंद स्वरूप है, ये आत्मानंद का निश्चय आपने कर दिया। लेकिन हमारी तो समस्या ये है, चैतन्यवत सुखम चस्य स्वभावश्चे चिदात्मनः। तो बोले कि जिस प्रकार से ये चिदात्मा जो है चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप तो हम देख सकते हैं, हाँ चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, और वही चैतन्य जो है वृद्धि वृत्ति सुनो वर्ते सर्वास्वपी चीति ही तथा, तो हमारी बुद्धि में वह चैतन्य स्वरूप आत्मा अभिव्यक्त तो होता है, लेकिन आनंद स्वरूप तो हमारी अभिव्यक्ति दिखती नहीं है। अब चैतन्य भी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा भी आत्मा का स्वरूप है, तो चैतन्य की तो अभिव्यक्ति होती है वृत्ति में, तो आनंद की अभिव्यक्ति जो आत्मा अगर मेरा अनंत आनंद स्वरूप मेरा स्वभाव है तो वो अभिव्यक्ति उनकी क्यों नहीं होती है। चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है तो आनंद की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए क्योंकि वो स्वरूप है। तो आगे कहते हैं तो क्यों नहीं होता है, तो उनका आप बताते हैं, एवं उष्ण प्रकाश आत्मा दीपस्तस्य प्रभा गृह व्याप्नोति न उष्णता। जिस प्रकार के दीपक की जो ज्योति होती है वो ज्योति में दो वस्तु है, एक उष्णता भी है एक प्रकाश भी है, उनका जो प्रकाश है वो सर्वव्यापक है। अब देखो लेकिन उष्णता सर्वव्यापक नहीं है, तद्वत चीते है वह अनुवर्तन, उसी प्रकार के जो प्रकाश स्वरूप जो चैतन्य है जो स्वप्रकाश चैतन्य है वो सर्वत्र अभिव्यक्त होता है। आनंद जो है जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता जो है वो सर्वत्र नहीं होती, हमने सूर्य का मैंने दृष्टांत दिया था, प्रकाश सर्वत्र है लेकिन उष्णता सभी जगह सभी स्थान पर वो उष्णता जो है वो उष्णता अभिव्यक्त नहीं होती। उसी प्रकार से आप देखो तो बोले कि नहीं नहीं जिस प्रकार से चेतन की अभिव्यक्ति अंतकरण में होती है उसी प्रकार से आनंद की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए ना। तो बोले कि ऐसा कोई नियम नहीं है, क्यों, गंध रूप रस स्वर स्पर्शेषु अपि सत्सु यथा पृथक एक एक क्षण एक अर्थ गृह्यत न इतर। अब जिस प्रकार से एक ही पुष्प में या फल में पांचों गुण है, अब देखो पांचों विषय है, पुष्प जब आप लेते हैं तो पुष्प में पांचों है, अब गंध रूप रस स्पर्शेषु अपि स्पर्श भी है उनका, अब रस भी है स्वाद भी है उनका, रूप भी है और गंध भी है, तो स्पर्श रूप रस गंध ये चारों वहां पर हैं, लेकिन एक इंद्रिय के द्वारा हम एक ही विषय को ग्रहण कर सकते हैं। आंख के द्वारा आप रूप ग्रहण कर सकते हो, आप स्पर्श ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो जिस प्रकार से एक इंद्रिय के द्वारा एक ही विषय अभिव्यक्त होता है उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है, चैतन्य चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होगी। आप समझो, अब 5 मिनट और ले ले, चिदानंदो नैव भिन्नः खा गंध्याद्यस्तु विलक्षणः। तो बोले कि नहीं नहीं ये आप गलत कर रहे, क्यों, क्योंकि चिद और आनंद दो है ही नहीं,
यहाँ तो विषय अलग अलग है। इति चेत चेत तद्भेद अभेदोपि साक्षिणी अन्यत्र वावद। अब ठीक है, उनका अभेद है, लेकिन साक्षी रूप आत्मा जो है, वो साक्षी रूप आत्मा जो है वही अंतरकरण में चैतन्य स्वरूप रूप में अभिव्यक्त होता है, आनंद के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है। अब सब आप उनको अलग अलग कहते हैं, लेकिन अलग नहीं, क्योंकि एक ही पुष्प में है। अभिन्ना पुष्पवर्तिन, एक ही पुष्प में ये पांच है, लेकिन एक इंद्रिय के द्वारा एक ही ग्रहण करते हो। उसी प्रकार से हमारे अंतकरण की जिस प्रकार की बुद्धि होगी, जिस प्रकार के अंतकरण की वृत्ति होगी, उसी प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति रहेगी। आप और इसलिए कहते हैं आद्य गंधादे अपि एवं अभिन्न अक्ष भेदे न तद भेद वृत्ति भेदा तयो हो भिदा। उसी प्रकार से वृत्ति के भेद से अलग अलग प्रकार की वृत्ति हमारी होती है, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की इंद्रियां होती है, उसी प्रकार की वृत्ति भेद से ही हमें ये भेद दिखता है। अब और इसे कहते हैं सत्व वृत्त उचित सुखैक्यम तद वृत्ते है निर्मलत्व। हम विस्तार से देखेंगे कि ये तीन गुण है, सात्विक अंतकरण वृत्ति, उसी में दोनों चिदानंद दोनों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जब रजोगुण की मलिनता होती है तब चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, आनंद की सुख अंश की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तीन तिणी फलम अम्लम लवणे न युतम देदा। जिस प्रकार से वो इमली का जो फल होता है, तीन तिणी माने इमली का फल, इमली का फल में अम्लता है, लेकिन वो अम्लता क्या होती है, जब उनका लवण के साथ संयोग होता है तो उनकी अम्लता होते हुए भी अम्लता अभिव्यक्त नहीं होती। उसी प्रकार से हमारे अंतकरण की जो वृत्ति है उसमें जब रजोगुण की मलिनता आ जाती है तो वो आनंद होने पर भी आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो बोले कि ठीक है, वो आनंद की जो अनुभूति है, ननु प्रियतमत्वेन परमानंदता आत्मनि विवेक तुम शक्यता में वो बिना योगे न किम भवे, लेकिन योग के बिना ये कैसे संभव होता है। आप देखो ये विवेक जो हमें करना है, विवेक के लिए हमारे अंतकरण में उनकी अधिकारित्व तो होना चाहिए, योग के बिना ये संभव ही नहीं है। तो बोले कि नहीं नहीं, योग के द्वारा जो प्राप्त होता है वो विवेक के द्वारा भी प्राप्त है। यद योगे न तदेवेति वदामो ज्ञान सिद्धे योग प्रोक्त विवेके न ज्ञानम किम न उपजायते। अब तो योग के लिए तो, अरे ब्रह्म ज्ञान के लिए तो योग की बात करते हैं, तो बोले नहीं, आत्मा अनात्मा का विवेक के द्वारा भी होता है, दोनों से होता है। क्यों, यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। अब आप ये दो योग और विवेक ये आप दो विभाग कर रहे हैं, भगवान तो एक ही कहते हैं, क्योंकि योग के द्वारा आप जो सिद्ध करते हैं वही विवेक के द्वारा भी होगा। तो बोले कि नहीं नहीं, कस्य असाध्य कस्य चित योग कस्य चित ज्ञान निश्चय तन विचार मार्गो दो जगत जगाद परमेश्वर है। परमेश्वर ने अधिकारी की दृष्टि से दो को ये विस्तार से हम देखेंगे, अधिकारी की दृष्टि से परमात्मा ने ये दो दर्शाया है। आप समझो, जिसके लिए ये योग संभव नहीं है, तो अधिकारित्व की दृष्टि से योग कह अतिशय तेत्र ज्ञान मुक्तम समहद्वयो। तो बोले कि योग की अतिशयता क्या है, विशेषता क्या है, और ये विवेक की विशेषता क्या है। आप देखो तो बोले कि योग और विवेक जो भी आप कहते हैं, दोनों के द्वारा जो सिद्ध करना वो तो क्या है, राग द्वेष आदि अभाव से तुल्य है योग विवेकिनो। योग के द्वारा हो या विवेक के द्वारा, लेकिन जो सिद्ध करना है वो तो क्या है, राग द्वेष की हमारी निवृत्ति हो जानी चाहिए, राग द्वेष का प्रभुत्व हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आप समझो, एक बार हमारा अंतकरण सात्विक हो गया, अंतकरण राग द्वेष मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, तो ज्ञान दोनों को होना है, योगी कहो कि विवेकी कहो, दोनों को जो सिद्ध करना है वो तो राग द्वेष का प्रभुत्व है हमारा। न प्रीति विशेषु अस्ति प्रेयान आत्मा इति जानतः कुतः राग कुतः द्वेषः प्रातिकूल्यम पश्यतः। अब देखो, जिसने विवेक कर दिया है, न प्रीति विशेषु, जो विवेक के द्वारा जिसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, एक बार ये वैराग्य हमारा हो गया, ले फिर हमारे विषय में कोई प्रीति रहती ही नहीं है। अब जब प्रीति ही नहीं रही है तो कौन किसके प्रति हमारे मन में राग रहेगा, किसके प्रति हमारे मन में द्वेष रहेगा। आप देखो, क्योंकि कोई आत्मा का विरोधी प्रतिकूल है ही नहीं। आप समझो,
देहादेह प्रतिकूलेषु द्वेष्य तुल्य द्वयोरपि द्वेषं कुर्वन्न योगी चेद् अविवेकीय पितादृशः। विवेकी और योगी दोनों एक ही है, आप समझो क्यों? क्योंकि दोनों के लिए देहादेह प्रतिकूलेषु द्वेष्य तुल्य द्वयोरपि, क्योंकि दोनों को देहादि में जो प्रतिकूलता है वो दोनों के लिए तो समान ही है। आप देखो देहादेह प्रतिकूलेषु द्वेष तुल्य, ये देहादि जो है वो हमारे आत्मज्ञान के लिए प्रति, आप देखो विघ्न रूप है, प्रतिकूल, तो उनके प्रति वैराग्य तो दोनों के लिए एक समान है। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि समाधि में तो योगी को अद्वैत का दर्शन होता है और विवेकी तो द्वैत का दर्शन कर रहा है। द्वैत से प्रतिभानम तो व्यवहार द्वयो समम समाधो न इति चेत तद्वत न अद्वैत तत्व विवेकिन है। एक अद्वितीय आत्मा का ही दर्शन करते हैं, समाधि में भी एक अद्वितीय आत्मा तत्व है, व्यवहार काल में भी एक अद्वितीय तत्व ही है। आप समझो, योगी को भी यही व्यवहार काल उत्थान अवस्था में वो द्वैत का दर्शन करता है, तो द्वैत का भी दर्शन दोनों को एक समान रूप से है और अद्वैत तत्व का ज्ञान भी दोनों का एक समान ही है। आप समझो, और इसीलिए अपनी एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य में हो वो ज्ञान जो है दोनों का एक ही है। आप समझो, इस प्रकार से विवक्षते तस्माद् अस्माभिः अद्वैतानन्द नामके, बोले कि अद्वैत एक अद्वितीय आत्मा का दर्शन दोनों कर रहे हैं, वो आत्मा जो आनंद स्वरूप है, तो बोले ये अद्वैत आत्मा, आपने कहा आनंद स्वरूप, अब अभी अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो बोले कि अभी जो ये तीसरा ब्रह्मानंद प्रकरण में, पांच प्रकरण में अभी जो तीसरा प्रकरण आएगा ना, तृतीय अध्याय, वो अद्वैतानंद जो है उनकी चर्चा हम तीसरे प्रकरण में अद्वैतानंद में हम करेंगे। सदा पश्यन विजानंद आनंदम अपश्यन अखिलम जगत, इस प्रकार से आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहो, स्वस्वरूप आनंद में ही निरंतर आप उनका अनुभव करते रहो, अर्थात योगी तिचतेतरे संतुष्ट हो। अब तो योगी भी अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अपने आनंद में स्थित रहता है, आप भी विवेक के द्वारा यही जो जगत है, अपश्यन जगत अखिल, ये जगत है ही नहीं, जो है वो तो एक अद्वितीय आत्मा तत्व मात्र है। आप देखो, और इस प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा तत्व का आप अनुभव करते रहो, योगी भी वही करता है। वर्धताम तुष्टो वर्धताम भवान, अगर आप कहते हो कि योगी भी इसी प्रकार से अनुभव करता है तो आपके संतोष के कारण कहते हैं आपके संतोष की वृद्धि होती रहे। क्यों? क्योंकि योगी और विवेकी ये दो नहीं है। आप समझो, हमारी समझ के लिए ये दो दर्शाते हैं, लेकिन जो योगी है वही विवेकी और जो विवेकी है वही योगी है। आप समझो, क्योंकि वो दोनों जो दर्शन करते हैं वो तो क्या है, एक अद्वितीय आत्मा का ही अनुभव कर रहे, वो आनंद स्वरूप आत्मा की ही अनुभूति दोनों कर रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार से विवेक के द्वारा आत्मास्तु कामाय सर्व, जो अत्यंत प्रिय वो आप स्वयं है, आप स्वयं परम आनंद स्वरूप है, और गुरु और शास्त्र के उपदेश से हम ये परम आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हमें अवश्य होती है। लेकिन ये एक अद्वितीय आपने जो कह के रखा ना, तो अद्वैत क्या है, और अद्वैतानंद आत्मानंद की हमने तो यहाँ चर्चा की ना, अद्वैतानंद क्या है, आप देखो ये बहुत सुंदर है, अद्वैत में भी आनंद है, आप समझो आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा का अद्वैत स्वरूप वहां भी आनंद ही आनंद है, वो कैसे आनंद है, तो अद्वैतानंद तीसरा प्रकरण हम कल से आरंभ करेंगे, बहुत सुंदर प्रकरण है। आप समझो, पहले योग की दृष्टि से आनंद दर्शाया, अभी आत्मा की दृष्टि से आनंद दर्शाया, अब अद्वैत की दृष्टि से भी आनंद ही आनंद है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद अद्वैतानंद है, वो हम कल से आरंभ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीसस्य शालिनी देशो यंक्षो भरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः।
ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।